अब कौन सा चैनल चलाते हैं और गुरुचरण वहां पर इधर से दो मेन ने ब्लॉक किया क्यों किया गया जी शायद ये कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो रेफरी भी देखते हैं क्या सिचुएशन है क्या कंडीशन है इस बार सुंदर की और आखिरकार जिस चीज के लिए जाना अभी तक वो प्रयास हमें देखने को नहीं मिल पा रहे हैं पानारोल की टीम की तरफ से चलिए गोलकीपर शामिल होने का भरसक प्रयास कर रहे हैं फिलहाल जो खेल खेला जा रही है डीडीएस स्पोर्ट पानारोल और माँ स्पोर्ट इंजुरकुली के बीच में खेला जाता हुआ ठीक हमारे मंच के दूर वाले छोर पर आसमानी नीला और हल्का सा पीला रंग की जर्सी में है डीडीएस स्पोर्टिंग पानारोल की टीम वही ठीक हमारे मंच के सामने वाले छोर पर पीले और काले रंग की जर्सी में है माँ स्पोर्टिंग झुरकुली की टीम और ठीक इसके बाद वाली खेल के लिए किंग डेविल मेदिनीपुर और विकास स्पोर्टिंग कदमपुर दोनों ही टीमों को टीम कप्तानों से भी निवेदन करेंगे कि आप भी अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखेंगे किंग डेविल चलती खेल पर अगर एक नजर डाला जाए मैदान के बीचों बीच जो निश्चित तौर पर दोनों टीम भरसक कोशिश कर रहे हैं प्रयास कर रहे हैं जानते हैं कि उनके सामने कड़ी चुनौती पेश करेगी उनकी ओपोनेंट टीम विपक्षी टीम लिहाजा छोटे छोटे पासेस के थ्रू छोटे छोटे कोशिशों के साथ एक अच्छी टीम को पराजित करते हुए इस सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई किए थे वहीं अगर डीडीएस स्पोर्टिंग पानारोल की बात करें तो अरुण स्पोर्टिंग बेलकाम जैसी मजबूत टीम को पेनाल्टी के जरिए हराते हुए अगले दौर में जगह बनाए थे फिलहाल अगर मैदानी खेल की बात करें तो केंद्र से ऐसा क्षण आ गया था जब कहीं ना कहीं लग रहा था कि हो ना हो गोल हो जाएगी लेकिन गोलकीपर ने अंतिम समय में रिकवरी किया और अपने पोजीशन पर जाकर के गेंद को सुरक्षित अपने दस्तानों में रखने में सफलता हासिल की और प्रकाश अभी खास करके बाजपट झुरकली की बात करें तो शुरुआती क्षणों से दबाव बनाने में सफल क्योंकि ये जानते हैं कि ये मुकाबला मेरे लिए बहुत अहम होगी क्योंकि ये खेल जो भी टीम जीतेगी वो कम से कम 10,000 के दौड़ में शामिल हो जाएंगे बुद्धिस्तर कदर बहुत ही बेहतरीन पास की लेगी आप मौका बनेगी गणेश के लिए सोमाई अकेले थे अर्जुन ने अच्छी क्लियर किया हालांकि आकाश थोड़ा सा फैया फैया था इसलिए गेंद को चेस नहीं किया सोमाई और एक अच्छा मौका बुद्धेश्वर अभी इतने मेरे ख्याल से ठीक करेंगे शायद या सुशील दोनों मिलते क्योंकि दोनों शूटर स्पेशली थे बुद्धेश्वर या फिर सुशील हम ज्यादातर खेलते हैं सुशील टू डू पीपल हरेपुर
की ओर से यह महाकाल अच्छी चाली और नीचे रखने में सफल अच्छा मौका मिला था। छोर बदलने का प्रयास लेकिन सोच के विपरीत गेंद आई है सुमा के पास मौका बनेगी गिरडीएस की ओर से थोड़ी सी लंबी पास लेकिन जो भी हो तोहफे के तौर पर एक अच्छा गेंद मिला है जैसे जबरदस्त और तोहफा बेकार किया है बंटवारा जनक पास कर बैठे अरवा मोहन दीपक के द्वारा दुर्बनमान पास अर्जुन ने ज्यादा रिश्ता नहीं लिया अच्छी तालमेल दीपक प्रयास किया था आकाश दीपक बहुत ही सुंदर पास समय के लिए समय गेंद को एकदम स्विंग कराने का प्रयास किया था मोहन रिसीव नहीं कर पाए गेंद को आनंद गलत तरीका राजीव के द्वारा बहुत ही सुंदर पास और ये बात है तो बहुत देर कर दी अगर तो निखिल के लिए अच्छा मौका था मेडी जल पर चले गए थे अभी उन्हें देता हूँ टाइमिंग की गड़बड़ी है तब तक कब तक खिलाड़ी की सोच या मन बदल जाती है बिल्कुल जब एक बार कोई टीम के दो तीन खिलाड़ी अगर आगे की ओर जा रहे हैं अटैकिंग पर जा रहे हैं तो टाइमिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब उसी मोमेंटम को बरकरार रखें और बेहतर तरीके से फिनिशिंग पॉइंट तक जाएं और उसी चीज की कमी हमें आज देखने को मिल रही है फिलहाल दोनों टीम पसीना काफी ज्यादा छोटा मंच है सेंटर लाइन के सामने उधर तो बहुत सारे दर्शक आप लोग अंदर चले गए और खिलाड़ी साथी आप लोग भी क्योंकि ये टच लाइन जो ग्राउंड का होता है आप लोग से बेहतर इसका अहमियत कोई नहीं जानता है लेकिन आप लोग भी अपना पांव को शरीर को तो बाहर रख लेते हैं लेकिन पांव खिलौड़िया रूप रंग भाई बदलो आज चंबा बॉर्डर साइड भाई घटा मेघो तहन सरम जिन ऋषि के कोठे जहाँ तक एक यूट्यूबर बंधु आया है उसका नाम तो मैं वाकिफ नहीं हूँ यूट्यूबर बंधु अगर हो सके तो आपका नाम
कवच पटना तक पहुंचा है, क्या आपका नाम बता दें, यूट्यूबर आप कौन से चैनल चलाते हैं? और गुरुचरण वहां पर इस तरीके से दो मेन ने ब्लॉक किया, फिर भी थोड़े से कमेंट चली ही आती है। मैं कहूंगा आप एक तो अपील कर सकते, दूसरी बात आप सजेशन ले सकते, सर मैंने क्या किया, लेकिन मैंने नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह का बात नहीं होनी चाहिए। शायद खिलाड़ी को लगा कि उससे टाइम क्यों नहीं फाउल दिया गया, इतना वेट क्यों किया गया। जी शायद ये कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो रेफरी भी देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। इस बार सुंदर के और आखिरकार जिस चीज के लिए जाना क्यों किया गया। जी शायद ये कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो रेफरी भी देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। इस बार बार सुंदर के और आखिरकार जिस चीज के लिए जाना खत्म हो जाती है, आप सोचते हैं कि मुट्ठी मैंने बंद करके रखा है। रफ्तार की मशीन माना जाता है गुरुचरण को, जैसा विकास नायक का भी रफ्तार का मशीन माना जाता है ये गुरुचरण। और यहाँ तो गुरुचरण आपको निश्चित है ब्लॉक को रोकने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन पकड़ के नहीं रखे थे आपको, पावर किया हुआ था। सुशील एक बार फिर से मौका जरूर बनेगा, किक काफी सुंदर आई थी, लेकिन वहां पर खिलाड़ी का बॉडी डिफ्लेक्शन, फिर से एक बार प्रयास सुशील टुडू के द्वारा दिया गया था। अब भी मौका है पानारोल की टीम के खिलाड़ियों को, एक टीम वर्क दिखाना पड़ेगा जो दबाव इन पर बनी है सेकंड हाफ में, खास तौर पर अभी तक ये टीम उस दबाव से उबर नहीं पा रही है, और जिसका पूरा पूरा लाभ मिलता हुआ झुरकुली की टीम को। चलिए देख लीजिए खड़ी बंद दो खिलाड़ी है, अब फॉरवर्ड को भी पीछे बुलाना चाहिए था, आप ही गए थे लेकिन वॉल पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, अदानी चौक को मिस किया। और इस तरीके से वहां पर थोड़ी से ताकतवर पुशअप हुई थी दीपक यमरव के द्वारा, और बुद्धिस्टर और बहुत पावर धीरे धीरे मैच समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, और जो बाप के जो प्रयास होने चाहिए अभी तक वो प्रयास हमें देखने को नहीं मिल पा रहे हैं पानारोल की टीम के तरफ से। चलिए गोलकीपर फर्स्ट टाइम गए थे, मैंने सोचा पकड़ेगा लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं, उन्होंने देखा कि आप क्या कर रहे हैं, मैं तो ऐसे देखने आ गया था, और उसका खबीज भुगतना पड़ता क्योंकि खिलाड़ी तब तक पुणे पर रिलीज कर चुके थे। ये गनीमत रहे कि पुणे पर गोल परपरा, एक अच्छा मौका हो सकता है, और जो भी डिफेंडर आगे जा रहे हैं पीछे भी आ पा रहे हैं।